शामली में लगभग 80 दिन से चले किसानों के धरने में आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे थे और जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी वो भी पहुंचे थे। मेरे साथ राकेश टिकैत जी, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है न्यूज 24 के साथ। आज किसानों के धरने के बीच आप लोग पहुंचे थे, तो क्या निर्णय रहा है? देखो, निर्णय ये रहा, फैक्ट्री बंद होना किसानों के हित में नहीं है और मिल प्रशासन भुगतान नहीं दे रहा। किसानों का निर्णय ये है कि जब तक भुगतान नहीं होगा हम फैक्ट्री बंद रखेंगे। हमने दो सुझाव उनको दिए कि नए गन्ने का भुगतान शुरू कर लें, फैक्ट्री चालू कर लें, और ये आश्वासन दे दें कि जो पुराना करीब 200 करोड़ रुपए का भुगतान रहेगा उस पर ब्याज देते रहेंगे। ये एक सरल रास्ता निकल सकता है। दूसरा है कि फैक्ट्री में भाई पार्टनरशिप या लिमिट बनवा के किसानों का भुगतान करें। किसान अभी तो किसान नहीं मान रहा। किसकी पार्टनरशिप? बेच ले, कुछ हिस्सेदारी बेच ले, जो भुगतान दे दे, जिससे आप लोगे लोन पे ले लो, बेच लो, कोई निर्णय करे। गन्ने का इंडेंट जारी ना करे, नहीं तो यहाँ पर टकराव होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की उसकी होगी। कोई भी समझौता करना है, यहाँ की कमेटी बनी हुई है, उससे बात करके इसका समाधान निकाल ले। ठीक है साहब, जो आपने सुझाव दिए हैं ये किसानों को दिए हैं या मिल प्रशासन से आपसे बात? हमने दोनों को ही दिए ये सुझाव के रास्ता निकलना चाहिए। कुछ किसान हटे, कुछ फैक्ट्री बढ़े, तो एक बीच में समझौता हो। अच्छा ठीक है साहब, अब 13 महीने का आंदोलन हुआ था, उसमें भी सरकार से वार्तालाप के बाद किसानों का आंदोलन समाप्त हुआ था। उस 13 महीने के आंदोलन में जब आप लोग और सरकार एक साथ बैठी थी तो कुछ निर्णय लिए गए थे, क्या सरकार उन वादों पर खरी उतर पाई? वादों पर कोई खरी नहीं उतरी सरकार। तो आपको अब उम्मीद है जो 80 दिन से धरना चल रहा है कि क्या सरकार से? ये सरकार से ज्यादा इसमें नहीं होगा, ये मिल प्रशासन का और किसानों को होगा। सरकार इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सरकार का नहीं होगा। अभी जयंत जी धरने में शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि जब तक किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं होता है तब तक वो भी अपनी दिवाली नहीं मनाएंगे। वो उन्होंने भी ये कहा कि हम भी इन किसानों के साथ में ही हैं। दिवाली मनाने से भी मना किया? दिवाली मनाने से तो ठीक है, आप अपना वो है, उन्होंने किसानों के साथ में जो उनका दुख है वो साझा किया है। एक मिनट रुक जाओ, अभी जो कमेटी का निर्णय होगा आप लोग उनके साथ? सब उनके कमेटी के साथ में रहेंगे, कमेटी का निर्णय मान लेंगे हम, कमेटी का निर्णय मान लेंगे। और कमेटी के दरवाजे प्रशासन के और मिल के खुले हुए हैं, वो कभी भी बातचीत करें। 16 तारीख में फिर उनकी एक छोटी मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग इस तरह की नहीं होगी, छोटी मीटिंग होगी, खाप चौधरी और कमेटी के लोग उसमें रहेंगे, अपना निर्णय ले। 16 नवम्बर। 16 नवम्बर। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, हमने राकेश टिकैत जी से बात किया, जिन्होंने खासतौर पर ये कहा है कि किसानों की जो कमेटी है वो निर्णय लेगी। जो 80 दिन से किसानों का धरना चल रहा है उसमें कमेटी निर्णय लेगी और 16 नवंबर को किसानों की जो मीटिंग है, जो किसानों के सदस्य हैं उन लोगों का जो है प्रशासन के साथ में 16 नवंबर को मीटिंग होगी और मीटिंग में जो भी निर्णय आएगा उसके साथ जयंत जी और राकेश टिकैत जी उनके निर्णय के साथ होंगे। शामली से अपनी सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज 24।